महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों में कमी का सिलसिला जारी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 15,229 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है और 307 मरीजों की मौत हुई है। इतने ही समय में 25,617 मरीज ठीक हुए हैं। राज्य में अब तक 57,91,413 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं और 97,394 मरीजों की मौत हुई है। 54,86,206 मरीज संक्रमण से उबरे हैं। इस समय 204,974 मरीजों का इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना के 15,169 नए मामले सामने आए थे। वहीं मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 961 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 897 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 27 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। कोरोना के कम होते केस को देखते हुए गुरुवार को आपदा प्रबंधन मंत्री विजय वणिदित्वार ने कहा कि शुक्रवार यानी कि आज से राज्य के 18 जिलों में कोविड-19 संबंधी पाबंदी में ढील दी जाएगी। जिन 18 जिलों में पाबंदियों में ढील दी जाएगी उनमें औरंगाबाद, भंडारा, बुलडाणा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, गोंदिया, जलगांव, जालना, लातूर, नागपुर, नांदेड़, नासिक, यवतमाल, वाशिम, वर्धा, परभणी और ठाणे शामिल हैं। मंत्री ने कहा था कि इन जिलों में शुक्रवार से सभी प्रकार की पाबंदियों को हटा लिया जाएगा। मुंबई में आंशिक रूप से पाबंदियों में ढील दी जाएगी, लेकिन माया नगरी की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन सेवा को अभी फिलहाल आम लोगों के लिए नहीं खोला जाएगा। कोरोना वैक्सीन और कोरोना वायरस से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।